और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया। सभी एमपी को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। आज मोदी जी हर एक उदाहरण है, संविधान के तहत डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया। और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलए को, सॉरी सभी एमपी को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लगना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लगना है। तो और आज मोदी जी हर एक उदाहर है, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर, अरे कितने डराते हो। अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है।